देश में बढ़ती हुई आबादी से हर कोई परेशान है, जिसको लेकर हर सरकार भरकम प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद इसके जनसंख्या वृद्धि रुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिर रुके भी तो कैसे, क्योंकि उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वह भ्रष्टाचार और दलाली की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। अपना अपना परिवार और छोटे छोटे बच्चे साथ में लिए जमीन पर बैठी ये महिलाएं, उन लोगों का यह शोरगुल बलदेवगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में नजर आ रहा है। दरअसल यहाँ पर नसबंदी कैंप लगाया गया है, जिसको लेकर यह महिलाएं रात से ही कड़कड़ाती ठंड में अपने बच्चों के साथ यहाँ आ जाती हैं। वह भी सरकार के प्रयासों को सफल बनाने की कोशिश में लग जाती है और यहीं से शुरू होती है और भ्रष्टाचार और दलाली की कहानी। महिलाओं का आरोप है कि वो काफ़ी समय से अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनका नंबर बिना पैसों के आने वाला नहीं है। डॉक्टर और आशा कार्यकर्ता रुपए मांगते हैं, जो उनके पास नहीं है। सुन लिया आपने, यही प्रयास सरकार के हैं, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। अब जरा सरकारी सिस्टम की बैरुखी भी सुन लीजिए, क्या कहते हैं BMO साहब की। अभी तक उनके पास कोई ऐसा मामला नहीं आया है, मामले में जाँच करवाते हैं। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोविंद राजपूत, मैं आया हूँ ग्राम सिजौरा से। अच्छा, क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या ये है कि मैं यहाँ रात 3 बजे से बैठा हूँ। मुझे लगता है मैं रात 3 बजे से बैठा हूँ और डॉक्टर बोल सुबह रहे के एक जो डॉक्टर आएंगे 2:30 बजे आएंगे, 2:30 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, और बोल सुबह रहे के 600 रुपये दो, 500 रुपये दो। आपसे कितने रुपये लिए? 600 रुपये। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? आप सुबह कह सुबह रहे के डॉक्टर 2:30 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, अभी अभी मतलब कुछ भी। आप किसको लेके आए थे? हम अपनी घर वाली को लेकर आए थे। अच्छा, जोरा से। अच्छा, कितने बजे आ गए थे? हम सुबह आ गए थे, रात में आए थे 3:30 बजे के सुबह। चलो मतलब जल्दी से नंबर है ना, लग जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन दिन में आपको जाति का समस्या है ऑपरेशन के लाने करनी है, 500 रुपया मांगती, 1000 मांगा तू ऐसी नहीं तो लेन में नहीं लगन दी, लेन में नहीं लगन दी, पहचानी बनाओ, पहचानी बनाओ। और का बोलते हैं पैसा कौन मांगता है? डॉक्टर मांगा तो ऐसा मांगा। हां, क्या कहते हैं? सर उसमें क्या देखिए सर, तमाम लोगों के आरोप हैं कि पैसों की मांग की जा रही है यहाँ GT ऑपरेशन। क्या क्या कहेंगे सर, क्या कार्रवाई करने वाले, क्या जानते हैं? LTT कैंप हमारे बल्लेवर में पिछले 1.5 साल से नहीं हुआ है, जिस कारण से यहाँ पे LTT कैंप में लोगों की भीड़ जरूरत से ज्यादा हो गई है ना। हमारे पास केवल 30-1 कैंप का टारगेट रहता है, जबकि यहाँ कम से कम 3,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको बार बार मना करने पर भी मानते नहीं। यहाँ कोई भी व्यवस्था ऐसी होती नहीं, जिस व्यवस्था के कारण हम सुचारू रूप से अच्छे ढंग से LTT कैंप चला सके। रही बात पैसों की, तो मेरे नॉलेज में अभी तक मेरे संज्ञान में कोई पैसों की वारदात ऐसी आई नहीं। अगर आप बोलते हैं तो आप संबंधित कर्मचारी के बारे में, अगर कोई संस्थागत कर्मचारी जो पैसों की मांग कर रहा हो या जिसने पैसे लिए हो, मैं उसका कर्मचारी के खिलाफ पूरी जांच पड़ताल करके सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। इसके ऐसी सर कई लोग 3-3 दिन से इंतजार कर रहे हैं लाइनों में, लगे कोई ना कोई बैठने की व्यवस्था उनके लिए, ना कोई ऐसी कोई कैंप की व्यवस्था होनी चाहिए थी, ये जो जरूरत यहाँ नजर आ रही है। मैं अपने खुद पर्सनल व्हाट्सएप से सभी आशा कार्यकर्ताओं को और सभी आशा पर्यवेक्षकों को ये बार बार बता देता हूँ और बताता भी हूँ कि कैंप में आशाएं ना आए, आशाएं टीकाकरण में रहें, फिर भी आशाएं आ जाती हैं। अगर मैं कैंप में केवल 30 लोगों को आने की अनुमति देता हूं, तो मुझे नहीं पता कि इतनी भीड़ कैसे आ जाती है। वो एक पब्लिक चीज़ है और उस पब्लिक को आप रोक नहीं सकते। अगर लोग आगे यहां भीड़ बना लेते हैं, अनावश्यक यहां तमाशा बनाते हैं, तो उसके लिए मैं हर किसी की व्यवस्था बनाने में फ़िलहाल अभी सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगले कैंप में ऐसी व्यवस्था की जाए कि केवल सीमित लोग आए और सीमित लोगों के बैठने उठने की व्यवस्था रहे। जितनी अपने पास संसाधन है, उन संसाधनों का अपन पूरा उपयोग करके समस्त लोगों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था। तो क्या 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 लगता है, एक TT कैंप में सर कितने ऑपरेशन किए जा सकते हैं? एक TT कैंप में 30 ऑपरेशन होते हैं। अभी तक कितने हो चुके सर बल्लेवाड़ अभी बल्लेवाड़ में 428 हो चुके हैं। सर क्या क्या इस मामले में कोई जांच, कोई कार्रवाई कितने समय में सुनिश्चित की जा सकती है? अब ये हम आपकी जांच करेंगे और आपको बता देंगे सर, एक समय 24 घंटे के अंदर करेंगे तत्काल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।